हिंदी में बताइए क्या कहा कोर्ट ने, हिंदी में बताइए सर, हिंदी में बताइए सर, हिंदी में। काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया सर, काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया, उसके पहले ऑर्डर आ गया जी। काउंटर आर्गुमेंट सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ऑर्डर आता है, प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, एक घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, एक घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर। सारे सबमिशन बराबर हो गए हैं, पूरा प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया, सबकी सुनवाई बराबर से हो गई, एंड ऑल हैव बीन गिवन प्रॉपर से, ए प्रॉपर आर्गुमेंट हैज बीन टेकन केयर एंड एवरीथिंग हैज बीन ओके। बड़ा दिन है सर आपके लिए आज, बड़ा दिन है सर, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप, बहुत दिनों नहीं बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है, तो 34,560 माई मिसेज वॉज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज, सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज, जेल में जाना ट्रॉमेटिज्म है, जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ सो मेनी अदर्स हु हैव बीन ट्रॉमेटाइज इनसाइड द जेल। आज बच्चा फिलहाल के उस साइड पे तो पता चलता है एगनी क्या होती है, तो इन द सिस्टम हैज टू बी इम्प्रोवाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट फॉर द सोशल नीड, दैट्स अबाउट इट। तो ये असलम मस्जिद के लिए तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं सर। ग्रांट जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे, इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए। जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे, इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट ट्रांसफर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ऑर्डर आता है, प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, एक घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, एक घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर। सारे सबमिशन बराबर हो गए हैं,
प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया, सबकी सुनवाई बराबर से होगी एंड ऑल हैव बीन गिवन प्रॉपर से, प्रॉपर आर्गुमेंट हैज बीन टेकन केयर एंड एवरीथिंग हैज बीन ओके। बड़ा दिन है सर आपके लिए, आज बड़ा दिन है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप, बहुत दिनों नहीं बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है, तो 34,560 माई मिसेज वॉज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज, सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड, जेल में जाना ट्रॉमेटाइज्ड है, जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ सो मेनी अदर्स हु हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड इनसाइड द जेल। आज बच्चा दीवार के उस साइड पे तो पता चलता है एगनी क्या होती है, तो इन द सिस्टम हैज टू बी इम्प्रोवाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट फॉर द सोशल नीड, दैट्स अबाउट इट। तो ये असलम मशीन सर मराठी मध्ये सांगा सर, देखिए मुनमुन को, आर्यन को और अरबाज को, तीनों को भी जो बेल मिली है, सबसे पहले तो हम खुश यही है कि तीनों की बेल ग्रांट हो चुकी है, इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की थी आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है इसके बेसिस पे। अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि मैंने पहले पहले रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आने बहुत जरूरी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी, एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है कॉपी होगी। देखिए ग्राउंड अभी मेंशन हुआ नहीं है क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट में इसे वर्बली सब वर्बली ऑर्डर पास हुआ है, जब जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पर। एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था, उसके अलावा एनसीबी ने कुछ जहाँ तक आर्यन की बात है वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है विटनेस टैम्परिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप लोग के फेवर में क्या रहा, कोई नई बात एनसीबी की तरफ से नहीं आई है? आप जहाँ तक मुनमुन का सवाल है, सीएम कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा डबली किया हुआ था, हाई कोर्ट में एक एनसीबी नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ, वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो आज एनसीबी ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज मेंबर सुनाए तो जो एसपी है एसपी से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ सीबीआर रिकॉर्ड भी निकला था उनका यूपीआई सबमिशन था, बट उसके काउंटर में हम और ऑलरेडी हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे, जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन थे हमारा एप्लीकेशन था। सर मानते हैं कि आर्यन गुनगुन और अरबाज कब निकलेंगे? देखिए अभी जैसे ऑपरेटिव पार्ट अभी तो अभी ऑर्डर पास हुआ है, कल हम उम्मीद करते हैं कि पूरा ऑब्जर्वेशन पूरा ऑर्डर पास हो जाएगा, एटलीस्ट अगर रोजाना आ जाए तो थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स। मराठी बोलिए।